खबरें फटाफट में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। जिला चंबा के चुराहा उपमंडल के तीसा बैरागढ़ मार्ग पर पहाड़ी से गिरे पत्थर की जद में आकर टाटा सुमो गहरे नाले में गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार 7 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। मृतकों में वाहन चालक और सेकंड आईआरबी के 6 जवान शामिल। नगरोटा सूर्या ज्वाली सड़क मार्ग पर भारी बारिश के चलते गिरा मलबा। सड़क बंद होने के कारण बीच रास्ते में खड़ी रही चंडीगढ़ ज्वाली बस, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग 3 दिन से बंद। 4 लेन कंपनी की मशीनें भी रोड बहाल करने में फेल। कीचड़ में फंस रही गाड़ियां, लोग परेशान। सुंदरनगर उपमंडल में मूसलाधार बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन होने से सड़कें बंद। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन पर जड़ोल में स्थित वर्षाशाली का खड्ड में समाई, सड़क को भी खतरा। उपमंडल ज्वाली में भारी बारिश के कारण संत लंकारी भवन ज्वाली के डंगे धसे। भवन पर मंडराया खतरा, आर्थिक सहायता के लिए प्रशासन से लगाई गुहार। मूसलाधार बारिश से जगह जगह भूस्खलन के कारण श्री नैना देवी भाखड़ा नंगल और श्री नैना देवी कैंची मोड़ बिलासपुर सड़कें बंद। श्री नैना देवी अनंतपुर साहिब सड़क मार्ग से भेजे जा रहे नंगल डैम और बिलासपुर जाने वाले लोग। कुल्लू जिला की ग्राम पंचायत जलुग्राम में 5 भाइयों के मकान के आगे लगा डंगा, भारी बारिश के चलते ध्वस्त। 5 परिवारों के 38 सदस्य तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर। भारी बारिश के दौरान मिट्टी पत्थर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली रात 9 मील और 6 मील के पास बंद। 4 लेन बना रही कंपनी की मशीनें सड़क खोलने में जुटी। मंडी में आए केंद्रीय दल ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के साथ आपदा के मनोसामाजिक प्रभाव का भी किया आकलन। केंद्रीय दल ने घ्राण क्षेत्र का दौरा कर वहां बाढ़ से क्षतिग्रस्त हेल्थ वेलनेस सेंटर का किया निरीक्षण, स्थानीय लोगों से भी की बातचीत। पांवटा साहिब में सिरमौरी ताल में बादल फटने के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों के मलबे में दबने के बाद प्रशासन ने छेड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रशासन ने मलबे से निकाले 2 शव, बाकी 3 की तलाश जारी। बारिश के कारण रेस्क्यू में हो रही दिक्कत। सड़क पर बह रहा बारिश का पानी, जिला मंडी के कटौला में नालियां ब्लॉक होने और पानी के तेज बहाव के चलते सड़क पर बह रहा पानी। तेज बारिश के चलते सड़कें खड्डों में बदली, सड़क पर मलबा पानी पहुंचने से वाहन चालक परेशान। बिलासपुर में हुई मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कोसरिया सेक्टर में एक 2 मंजिला पक्का मकान ढहने के कगार पर। मकान के आगे बना पक्का रास्ता ढहने से मकान को नुकसान, लोगों ने किया घर खाली। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के नर्सिंग संस्थान में प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ रैगिंग का मामला आया सामने। पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत पर दर्ज किया मामला। पीड़िता ने नर्सिंग संस्थान के स्टाफ पर भी लगाए कई गंभीर आरोप। प्रदेश के नंबर 1 मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के इवेंट हिमाचल की आवाज सीजन 8 के ऑडिशन डिग्री कॉलेज हमीरपुर में हुए। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा। डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रमोद कटियार तथा उपप्राचार्य डॉ. चंद्र भारद्वाज भी रहे मौजूद। बिलासपुर में 15 अगस्त को मनाए जाने वाले 76वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां शुरू। पुलिस व होमगार्ड के जवानों सहित एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस व स्काउट एंड गाइड के स्वयंसेवियों ने किया मार्च पास्ट का अभ्यास। पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली करेंगे जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता। खबरें फटाफट में इतना ही, बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। गवर्नमेंट कॉलेज ऊना एमसीए डिपार्टमेंट एफिलिएटेड टू हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर। नेक एक्रेडिटेड एंड सेंटर फॉर एक्सीलेंस नियर इंदिरा स्टेडियम ऊना हिमाचल प्रदेश। एडमिशंस ओपन फॉर एमसीए कोर्स। स्टूडेंट मस्ट बी पास्ड बीसीए बीएससी आईटी बीएससी कंप्यूटर साइंस बीएससी नॉन मेडिकल एंड एनी ग्रेजुएट विद मैथमेटिक्स इन प्लस 2 लेवल। Limited seats are left. 100% placements. Please contact us on 9816175888, 7018218176 or 7018812304.